द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉरेन लीडर ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पांडुरंग। देखिए ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया, कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या तोपे, मंगल पांडे, इनमें से कह रहा कि किसका जो है एक्चुअल नेम, इनमें से कौन से लीडर का जो है एक्चुअल नेम, ओरिजिनल नेम रामचंद्र पांडुरंग था। यूपीपीसीएस प्री 2011 में एंड यूपीयूडी एलडीए प्री 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसका जो है आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय दे रही हूँ। किस लीडर का जो है रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग था बच्चों? बी वाला तात्या तोपे की हम बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि तात्या तोपे का जो ओरिजिनल नेम बच्चों रामचंद्र पांडुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डी बी वाला जो इसका सही आंसर था ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। घटना चक्र से ये सभी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठेगा सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट बिलोंग टू। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि कुंवर सिंह जो है किस जगह से बिलोंग करते थे, कौन सी जगह से, जो 1857 रिवोल्ट के एक प्रोमिनेंट लीडर थे कुंवर सिंह जी, कहाँ से बिलोंग करते थे? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी दिया हो बच्चों उत्तर प्रदेश। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। इसका इनिशियली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग कर रहे थे। ए इसका सही आंसर, बिहार से, बिहार से जो है कुंवर सिंह जी बिलोंग कर रहे थे। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। कुंवर सिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स इन द सीपॉय ऑफ 1857, सीपॉय मीटिंग ऑफ 1857। अभी तक जितने लीडर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, चाहे तात्या तोपे हैं, चाहे झांसी की रानी है, चाहे बेगम हजरत महल है, चाहे कुंवर सिंह है, चाहे अजमुल्ला खान है, जिनके भी बारे में पढ़ा है, ये सभी के सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे 1857 रिवोल्ट के समय में। कुंवर सिंह वॉज बॉर्न इन जगदीशपुर, ये भी एक्चुअली सवाल पूछा हुआ है कि कुंवर सिंह जो कि एक इंपॉर्टेंट लीडर थे 1857 रिवोल्ट के समय में बिहार से, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जगदीशपुर में हुआ था बच्चों, इन द शाहबाद, नाउ इन द भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ही बिलोंग टू आरा, ही आरा से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ से बिलोंग कर रहे थे। आरा इन द बिहार ड्यूरिंग द म्यूटिनी व्हेन द पीपल ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी इन 1857। बाबू कुंवर सिंह वॉज नियरली 80 ईयर्स ओल्ड। अब आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय में जो कुंवर सिंह की हम बात कर रहे हैं, ये 80 ईयर्स ओल्ड थे, और इस उम्र में भी आकर के इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, 1857 की क्रांति में जो है हिस्सा लिया। हु स्पियर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? देखिए अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो दोबारा जो है मुझे आप लोग को जो है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग फटाफट इसके बारे में जो है चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। बिहार से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने, तात्या तोपे ने, कुंवर सिंह ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए आप लोग बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग कि बिहार में जो 1857 रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया था? बच्चों सी इसका सही आंसर है, कुंवर सिंह की हम बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उस समय कुंवर सिंह जो थे उनकी उम्र 80 वर्ष की उम्र में थे वो, और कुंवर सिंह का जन्म जो है जगदीशपुर में होता है। ही बिलोंग टू आरा इन द बिहार ड्यूरिंग द म्यूटनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया। सी जो इसका सही आंसर है, कुंवर सिंह जो है बिहार से बिलोंग कर रहे थे 1857 रिवोल्ट के समय की हम बात कर रहे हैं। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? देखिए अब एक चीज आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन जो है किस प्रकार से घुमा करके वेरियस टाइम अलग अलग एग्जाम में अलग अलग स्टेट पीसीएस में रिपीट हुआ है कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह बिहार में शुरू हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने, कहीं ऑप्शन चेंज कर दे रहा, कहीं स्टेटमेंट चेंज कर रहा, आंसर एक ही है बिहार से, ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह भी जो है हमारा सही है, कुंवर सिंह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार? कुंवर सिंह। देखिए रानी लक्ष्मीबाई हम लोगों ने झांसी देखा था, लेकिन तात्या तोपे की हम लोग बात कर रहे थे, ही वाज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द म्यूटनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय द डायनामिक ओल्ड पर्सन। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अभी तक तो बिहार कर रहा था, अब आपसे पूछ रहा है पटना का नाम दे दिया। अब आप सभी लोगों को पता है कि पटना बिहार में है, एंड डायनामिक ओल्ड पर्सन की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये चीज मैंने आप लोग को पहले ही बताई कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय जो है कुंवर सिंह जी, राजपूत कुंवर सिंह की जब हम बात करते हैं, ये 80 वर्ष के थे। डायनामिक ओल्ड पर्सन, अगर देखिए लिखा हुआ, ये अगर आपको नहीं भी पता है तो इस स्टेटमेंट से भी, इस वर्ड से भी जो है आप पता कर सकते हैं कि हम कुंवर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। चार ऑप्शन था, हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, बी सी दिया हुआ था जूधर सिंह, एंड डी दिया हुआ था कौशल सिंह। ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह जो इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग बच्चों, द म्यूटनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय जमींदार।
आर कुंवर सिंह, ही लॉस्ट हिज जमींदारी ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज एज अ रिजल्ट। अब देखिए एक वजह भी आप लोग को पता चले कि आखिर कुंवर सिंह जो 80 वर्ष की उम्र में थे 1857 में, तो क्यों उन्होंने जो है इस 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो नीतियां थी उस वजह से इनकी जो जमींदारी थी वो भी जो है खत्म हो गई थी। ये भी एक कारण बना था कि 1857 रिवोल्ट में इन्होंने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों पूछ रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन असम। इसके भी बारे में बच्चों हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है कि 1857 रिवोल्ट का जो नेतृत्व असम से कौन कर रहा था, ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह एंड डी पियाली बरुआ। यूपीपीसीएस मेंस साथ में आया हुआ है, देन इसका चांसेस बहुत ज्यादा है कि यूपी अपर सबॉर्डिनेट प्रीलिम्स में आ जाए और लोअर सबॉर्डिनेट में आ जाए और आरओ ए आरओ में ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अपर सबॉर्डिनेट में पहले मेंस में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग ये प्रीलिम्स में आने के इसके चांसेस हैं। असम की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो असम से जो है दीवान मनीराम दत्त की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दीवान मनीराम दत्त वॉज एन असामीज नोबल मैन हु स्टार्टेड अ रिवोल्ट इन 1857 विद द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट किंग्स ग्रैंड सन कंदपेश्वर सिंह एज किंग इन असम। लेटर मनीराम वॉज हैंग्ड बाई ब्रिटिश फॉर द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट। तो ध्यान रखिएगा असम से सीधे ध्यान रखिएगा दीवान मनीराम दत्त की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम द 15th of July 1857 टू 20th of January 1858 वॉज ए रामपुर, बी दिया हुआ है हमीरपुर, सी दिया हुआ धीरपुर एंड डी दिया हुआ बच्चों जगदीशपुर। चलिए फटाफट जो है आप लोग इसका जवाब दीजिए चैट बॉक्स में मुझे। इसके भी बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1857 रिवोल्ट के समय में बिहार से जो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह जी ने वो कहां से बिलोंग कर रहे थे, ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर एंड डी दिया हुआ बच्चों जगदीशपुर। तो डी हम जगदीशपुर की यहाँ बात करें, जगदीशपुर से जो है 1857 रिवोल्ट बिहार में शुरू होता है। द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट वॉज जगदीशपुर इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ द कुंवर सिंह हु एस्टैब्लिश हिज ओन गवर्नमेंट बाई डिपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिहार रिवोल्ट वॉज सप्रेड बाई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक जब हम लोग ने थियोरटिकल पार्ट कवर किया था तो वहां हम लोग ने देखा था कि लोकेशन दिया हुआ है, देन किसके नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था बच्चों की किसके द्वारा जो है किस ब्रिटिश ब्रिटिशर के द्वारा जो है उस रिवोल्ट को जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन में सप्रेस किया जाता है। तो बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में जो है ये रिवोल्ट सप्रेस किया गया था कमिश्नर ऑफ पटना विलियम टेलर एंड मेजर विंसेंट अय्यर के द्वारा, तो देख सकते हैं आप कि किसके द्वारा जो है सप्रेस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए क्या बोल रहा है कि किसने जो है जो ब्रिटिश और जोधपुर की ज्वाइंट आर्मी को डिफीट किया था 1857 की क्रांति में, ए तात्या तोपे, बी नवाब वजीर खान ऑफ टोंक, सी दिया महाराजा राम सिंह एंड डी दिया ठाकुर कुशल सिंह ऑफ आउवा। तो आप लोग मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा कि व्हाट इज इज करेक्ट आंसर। किसने जो है डिफीट किया था ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ए तात्या तोपे, बी नवाब वजीर खान ऑफ टोंक एंड सी दिया महाराजा राम सिंह एंड डी दिया बच्चों ठाकुर कुशल सिंह ऑफ आउवा। तो डी जो इसका सही आंसर है, जिन्होंने डी इसका सही मार्क किया चैट बॉक्स में रिप्लाई किया उसका सही आंसर है ठाकुर कुशल सिंह ऑफ आउवा। देखिए ध्यान रखिएगा फटाफट जो आप चैट बॉक्स में जो है रिप्लाई करने की कोशिश किया कीजिए, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ आउवा डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ऑफ द 1857। आप देख सकते हैं कि कह रहा कि इनमें से कौन जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 की क्रांति में जो है स्ट्रगल मीन्स आप कह सकते हैं विद्रोह किया था, ए चंद्रशेखर, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सादत खान, डी दिया माखन लाल चतुर्वेदी। अब देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आप कह सकते हैं कि देश के आजादी के समय में जो है जिन्होंने हिस्सा लिया था 1857 में वो लोग नहीं थे। कुछ नाम ऐसे हैं जो एक कवि हैं
और एक ही इस एक नाम है, मीन्स एक ही ऑप्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें से दो भी ऑप्शन हो सकता है। कभी कभी जो है कमीशन वाले जो है ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में दे देते हैं जिसमें ए और बी, बी और सी जो है इसका सही आंसर होता है, उसको जो है फिर एग्जाम से जो है आप कह सकते हैं क्वेश्चन को जो हटा दिया जाता है। चलिए इसका सही आंसर हम देखते हैं। हु आर द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857। तो सादत खान की हम बात करें, सी सादत खान, आप आसानी से जो इसका सही आंसर कर सकते थे। टिक, सादत खान, सादत अली खान हैड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। हु आर द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम द भोपाल लेड द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइज हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857। अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर्स के नेतृत्व में इस 1857 की क्रांति को शुरू किया गया था। बहुत सारे लीडर्स के द्वारा जो हमारे उस समय के लीडर्स थे उनको जो है अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा था। तो जो चार ऑप्शन दिया, ए फाजिल मोहम्मद खान, बी शेख रमजान, सी दोस्त मोहम्मद खान, एंड डी दिया बच्चों हबीबुल्ला खान। हबीबुल्ला खान। चलिए इसका जो आप लोग फटाफट सवाल इसका जो है जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें जो है एक चीज है कि मैं आप लोगों को हिंट दे रही, जो भी इसका सही आंसर है वो जो है भाई मोहम्मद खान के सन रहते हैं भोपाल में। भोपाल मीन्स वो भोपाल से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है भोपाल की हम बात कर रहे हैं। जो भी इसका सही आंसर है, ही वॉज अ सन ऑफ द वाही मोहम्मद खान। फिर इसका सही आंसर देखते हैं हम, फाजिल मोहम्मद खान की हम बात कर रहे हैं। फाजिल मोहम्मद खान वॉज अ सन ऑफ द वाही मोहम्मद खान। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, नवाब फाजिल मोहम्मद खान सन ऑफ द वाही मोहम्मद खान फ्रॉम द भोपाल लेड द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइज हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। और देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें से जो है सबसे ज्यादा बिटरेस्ट आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा विद्रोह किसने किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 रिवोल्ट में। ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमादुल्ला, सी दिया मौलाना फजी, ए हक खैराबादी, एंड डी दिया नवाब लियाकत अली। चलिए आप लोग इसका चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई कीजिए। हु वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 10 सेकंड का मैं आप लोगों को समय दिया है, कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने की बच्चों। देखिए तमिलनाडु से जो है बेसिकली आप कह सकते हैं, चलिए आप लोग बताइए इसका ये सही आंसर है बच्चों, ए मौलवी अहमदुल्ला शाह की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स। इन्होंने जो 1857 रिवोल्ट को शुरू किया था फैजाबाद से। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम द अर्कॉट तमिलनाडु। तो अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन वो थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को फैजाबाद से शुरू किया था, बट ये जो है बिलोंग करते थे अर्कॉट तमिलनाडु से। तो बच्चों ये मौलवी अहमदुल्ला शाह जी थे। ही लेटर बट ही लेटर रिसाइडेड ही रिसाइडेड इन द फैजाबाद। द ब्रिटिश कंसिडर्ड हिम अ वर्दी एनिमी एंड अ ग्रेट वॉरियर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, एज अ मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटीज ऑफ अनडॉन्टेड करेज आइज ऑफ स्टर्न डिटर्मिनेशन एंड बाई फार द बेस्ट सोल्जर्स एमंग द रेबल्स। तो देखिए इस स्टेटमेंट भी पूछ लेगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किसके लिए 1857 रिवोल्ट में जो है किसके लिए स्टेटमेंट कहा दिया गया था। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह की हम बात कर रहे थे। इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स के सर ये ह्यूग्रोस के द्वारा जो है रानी लक्ष्मी बाई के बारे में भी जो है कि स्टेटमेंट दिया गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस रिवॉर्ड ऑफ ₹50,000 फॉर इज अरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस बाय द पोएट ऑफ। देखिए क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति में जो है कौन वो कवि था जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति को देखा था। ए मीर तकी मीर, बी दिया और जौक, सी दिया और गालिब, एंड डी दिया बच्चों इकबाल। देखिए इसका सही आंसर आप लोग एक पहले तो बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट सी की हम बात करें, गालिब की हम बात करें, मिर्जा गालिब की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मिर्जा गालिब वॉज अ पोएट हु विटनेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप देख सकते हैं मिर्जा गालिब वॉज अ पोएट हु विटनेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ द एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वॉज। अभी देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन की मिर्जा कौन जो 1857 की क्रांति में कौन कवि था जिन्होंने देखा था इसको, हु वॉज अ विटनेस, तो ये मिर्जा गालिब थे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि मिर्जा गालिब का जो है जन्म स्थान कहाँ है।
चलिए आपके लोगों के सामने हम क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वॉज एक तो ये भी पूछ सकता है कि मिर्जा गालिब किस भाषा के कवि थे, तो उर्दू पोएट थे। ए आगरा दिया हुआ, ओरिजिनल रेजिडेंस क्या था, बी दिल्ली, सी लाहौर, एंड डी दिया हुआ बच्चों लखनऊ। अपर सबॉर्डिनेट यूपी, लोअर सबॉर्डिनेट प्री, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फटाफट आप लोग जो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इनकी मृत्यु बच्चों आगरा सॉरी इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में होती है, इन फेब 15th of Feb 1869 में जो है, जो भी मिर्जा गालिब की जो है मृत्यु दिल्ली में होती है। इसका सही आंसर ओरिजिन रेजिडेंस की हम बात करें आगरा, आगरा में जो है इनका जो है जन्म होता है दिसंबर 27th of December 1797 को जो है मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फेमस उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वॉज बॉर्न ऑन 27th of December 1797 इन आगरा एंड डाइड इन दिल्ली ऑन 15th of Feb 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। Who among the following was not related to the revolt of 1857? अब देखिए कह रहा कि इसमें से कौन जो है 1857 रिवोल्ट से नहीं जुड़े हुए थे। तो ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह, एंड डी मौलवी अहमदुल्ला। यूपी पीसीएस प्री 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है तीन नाम ऐसे हैं जिसके बारे में लगातार हम चर्चा करते आए थे, कुंवर सिंह के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में, मौलवी अहमदुल्ला के बारे में। एक ही नाम यहाँ पे है जो 1857 रिवोल्ट से नहीं बिलोंग करते थे, वो थे उधम सिंह। उधम सिंह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उधम सिंह जो है 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े हुए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उधम सिंह वॉज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। He was a revolutionary of Punjab branch, पंजाब में क्रांतिकारी थे। कुंवर सिंह की हम बात करें, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए कुंवर सिंह के बारे में हम लोगों ने देखा था आरा बिहार से जो है यहाँ पे जो इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। जब बेगम हजरत महल की बात करते हैं लखनऊ अवध, एंड मौलवी अहमदुल्ला की हम बात करते हैं फैजाबाद से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद जो है पार्ट 7 की सीरीज यहीं पे खत्म होगी हमारी। देन पार्ट 8 में जो है जो रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चंस हैं इस 1857 रिवोल्ट के, उसको हम कवर करेंगे। देख लेते हैं, तीन चार और क्वेश्चन है, हम फाइनली यहाँ पे कवर कर लेते हैं। विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। देख सकते हैं आपकी 1857 की क्रांति में जो है पूछ रहा है यहाँ पे जो है किस डायनेस्टी ने जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। ए सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, बी होलकर्स ऑफ इंदौर, सी भोसलेज ऑफ नागपुर, अंडी दिया लोदीज ऑफ रामगढ़। चलिए बच्चों इसका जवाब दीजिएगा आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से। आप लोग जो है 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, जवाब दीजिएगा कि कौन सी डायनेस्टी जो है ब्रिटिशर्स को जो है मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड किया था उन्होंने 1857 रिवोल्ट के समय। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, भोसले ऑफ नागपुर, एंडी दिया और लोदीज ऑफ रामगढ़। इसका सही आंसर जिन्होंने ए स्टिक किया है सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, या सिंधियाज ऑफ ग्वालियर ही थे जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेनी लाइक द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, द निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड द होलकर्स ऑफ इंदौर गिव एक्टिव सपोर्ट टू द ब्रिटिश इन द 1857 रिवोल्ट। मेनी एजुकेटेड एंड वेस्टर्नाइज इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप देख सकते हैं कि सिंधियाज ऑफ ग्वालियर की हम बात करें, निजाम ऑफ हैदराबाद, होलकर ऑफ इंदौर, इन सभी लोगों ने जो है प्लस उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे वेस्टर्नाइज इंडियन थे उन्होंने भी 1857 रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया था। दैट टाइम लॉर्ड कैनिंग सेड इफ, देखिए इस 1857 रिवोल्ट के समय में ही लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था कि अगर सिंधियाज ने भी इस विद्रोह में अपना हिस्सा विद्रोह को ज्वाइन कर लिया होता तो हमें जो है तुरंत जो है अपना बैग पैक करके यहाँ से जाना पड़ जाता। तो कुछ आप कह सकते हैं वो इंडियंस की ही देन थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स भारत में रह करके इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। अगर इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, निजाम्स ऑफ हैदराबाद, होलकर्स ऑफ इंदौर, तो कहीं ना कहीं जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उसी समय ब्रिटिशर्स को जो है भारत छोड़ करके जाना पड़ गया होता। आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग सेड इफ सिंधियाज ज्वाइन द रिबल आई विल पैक ऑफ टुमारो। यूरोपियन हिस्टोरियन ग्रेटली प्रेज द सर दिनकर राव द मिनिस्टर ऑफ द ग्वालियर। तो आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्यू इंडियंस 1857 रिवोल्ट, कहीं ना कहीं जो एक चीज तो था कि जो कोऑर्डिनेशन नहीं था, हमारे जो लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्लस जिन लोगों ने जो है एक्चुअली आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था वो भी जो है एक बहुत बड़ा कारण बनता है 1857 रिवोल्ट के फेल होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया
अब देखिए क्या कह रहा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एजुकेटेड मिडिल एजुकेटेड थे उन्होंने जो है एक्चुअली 1857 रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया ए अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857, बी दिया हुआ सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सी दिया हुआ रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड डी दिया हुआ बच्चों फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर्स। तो इसका जो है फटाफट आप लोग जो है सही जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे वेस्टर्नाइज्ड, जो जिनके ऊपर जो आप कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट पड़ा हुआ था जिन इंडियंस पे, उन्होंने भी जो है इस 1857 रिवोल्ट में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका सही आंसर सी, रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एजुकेटेड मिडिल क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हिच वाज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द फेल्यूर ऑफ 1857 रिवोल्ट। देखिए एक तो जो कुछ इंडियंस थे सिंधियाज थे होलकर, इन लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, प्लस जो कुछ एजुकेटेड इंडियंस मिडिल क्लास इंडियंस थे उन्होंने जो एक्चुअली इस विद्रोह में हिस्सा ही नहीं लिया, और ये सभी के सभी जो है कारण बन गए इस 1857 की क्रांति के फेल होने का। एजुकेटेड इंडियन वॉन्टेड टू चेंज इंडिया एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट एंड द फैक्ट एम्बेडेड इन देयर माइंड दैट द ब्रिटिशर्स वुड मेक दिस प्रोग्रेस पॉसिबल, बट लेटर ऑन दे केम टू नो अबाउट द क्रूएल स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड दिस। चलिए एक और लास्ट हम क्वेश्चन कम्प्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी टेरिटरी जो है उसका असर जो है 1857 की क्रांति पे जो मीन्स आप कह सकते हैं किस टेरिटरीज पे जो है 1857 रिवोल्ट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर एंड डी लखनऊ। उत्तराखंड टीसीएस मेन्स 2006 एंड यूपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी का क्वेश्चन जो है उत्तराखंड मेन्स में पूछ लिया है, देख सकते हैं आप। देखिए हम लोग ने झांसी के भी बारे में पढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई जगदीशपुर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने लखनऊ के भी बारे में पढ़ा, पर चित्तौड़ का कहीं नाम हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये चित्तौड़ ही था जहाँ पे जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था 1857 रिवोल्ट का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चित्तौड़ वॉज अ टेरिटरी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवोल्ट ऑफ 1857। झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ व प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। देखिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर की हम बात कर रहे थे कुंवर सिंह, एंड लखनऊ की हम बात करते बेगम हजरत महल। आज का बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो कुछ और क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं इस 1857 की क्रांति से जुड़े हुए, उसको जो है हम पार्ट 8 में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।